हवाई मार्ग से कांगड़ा घाटी पहुंच रहे 2 से 3 लाख पर्यटक, कांगड़ा समेत चंबा, हमीरपुर व ऊना को कवर करता है एयरपोर्ट। प्रदेश के सबसे बड़े कांगड़ा एयरपोर्ट के जरिए कांगड़ा घाटी में 2 से 3 लाख पर्यटक पहुंचते हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट जिला कांगड़ा के साथ साथ चंबा, ऊना व हमीरपुर जिलों को भी कवर करता है। कांगड़ा के अलावा अन्य 3 जिलों के लोग हवाई सफर के लिए कांगड़ा एयरपोर्ट पर दस्तक देते हैं। हवाई मार्ग से कांगड़ा घाटी में आने वाले पर्यटकों में धार्मिक स्थलों और पर्यटक स्थलों का भ्रमण करने वाले यात्रियों की संख्या अधिक है। इसके अलावा तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा के मैक्लोडगंज में निवास करने के चलते देश विदेश में बौद्धिक अनुयायी, डेलीगेंट्स और विदेशों सहित देश के अन्य राज्यों में रहने वाले निर्वासी हवाई मार्ग से धर्मशाला पहुंचते हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इवेंट्स के दौरान काफी संख्या में हवाई मार्ग से क्रिकेट प्रेमी व पर्यटक कांगड़ा घाटी का रुख करते हैं। यही नहीं, पिछले वर्ष धर्मशाला में आयोजित वर्ल्ड कप मुकाबले, इस वर्ष आयोजित टेस्ट मैच और आईपीएल मैचों के चलते भी काफी संख्या में क्रिकेट प्रेमी हवाई मार्ग से धर्मशाला पहुंचे थे। प्रशासन की माने तो यात्री संतुष्टि में कांगड़ा एयरपोर्ट देश भर में 2 नंबर पर आंका गया है। कांगड़ा एयरपोर्ट पर पर्यटकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर खान पान, वाईफाई सहित चेक इन में यात्रियों को ज्यादा इंतजार ना करना पड़े, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। एयरपोर्ट प्रशासन का दावा है कि हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एयरपोर्ट पर सुविधा बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। देखिए, टूरिस्ट तो बेसिकली यहाँ पे 2-3 वजहें हैं जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आता है। एक तो रिलीजियस टूरिज्म होता है, जो हमारी शक्तिपीठ हैं और शिवलिंग जो ज्योतिर्लिंग हैं। दूसरा, दलाई लामा जी के लिए भी काफ़ी टूरिस्ट आता है। स्टेडियम्स हैं, हिल स्टेशन तो है ही है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है टूरिस्ट आ रहा है, और हम देख रहे हैं कि इसकी संख्या भी अब बढ़ती जा रही है। और लगभग हमारा जो एग्जैक्ट आंकड़े तो अभी मेरे पास नहीं है, बट 2 से 3 लाख के बीच में जो पैसेंजर्स हैं वो एयर ट्रेवल के थ्रू कांगड़ा और धर्मशाला में आ रहे हैं। इस तरह के सर एयरपोर्ट की तरफ से जो पैसेंजर्स जो आते हैं, किस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं सर? सुविधाएं तो हम निरंतर बढ़ा रहे हैं पैसेंजर्स को। बेसिकली जो पैसेंजर फैसिलिटीज होती है, और एक कम से कम समय में वो चेक इन करके अंदर चला जाए, इसके लिए हमने बहुत सारी सुविधाएं उनके लिए करी हैं। जैसे बेसिकली उनके खान पान का सुविधा हो, वाईफाई की सुविधा हो, वो आसानी से चेक इन करने में उनको टाइम ना लगे, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। और काफ़ी जैसे अब आपने देखा होगा कि एक स्नैक बार हमने बाहर भी ओपन कर दिया है, जिससे जो पैसेंजर को रिसीव करने आते हैं या जो अराइवल में पैसेंजर आते थे उनके लिए हमारे पास स्नैक बार नहीं था, तो वो भी आज या कल से शुरू हो जाएगा। और जैसा आपको पता है कि पैसेंजर सेटिस्फेक्शन के मामले में कांगड़ा एयरपोर्ट जो है 2nd पोजीशन पूरे भारत देश में आया है, तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है। और इसी तारतम्य में हम और आगे कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम आप सबके सहयोग से और आगे लेके जाएं, और टूरिज्म और को बढ़ावा मिले, और हमारे पैसेंजर्स का सेटिस्फेक्शन लेवल और ऊपर जाए। सर,